दस दस गोली बाबू, ये 10 गोली ना मुझे जीतना है, 5 मेरा है 5 इसका है। मैं अभी कान से खेल के बताता हूँ। ये पिल्लू रहा है ना, ये अरे पिलेस बच गई है। बताओ बोला कौन से मारी? हाँ ये वाली ठीक है, ये एकदम लगे ले नीचे ले ली। जीत गए 10 गोली, जीत गए अब 10 गोली। ये देखो इसको क्या बोलते, ये सबसे बड़ा वाला गोला है, ये ओड्डा बोला था ना ओड्डा। वेलकम बैक दोस्तों, एक और ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। अभी सुबह का ब्लॉग आपने देखा, एकदम कुटकुटाती हुई ठंडी की। अगर नहीं देखा तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, तो आप वहां जाकर चेकआउट करके देख सकते हैं। तो अभी मैं मम्मी की मदद कर रहा हूं, मैंने लाया हूं कुछ सब्जी बनाने जा रहे हैं नाश्ता के लिए। तो हमने लाया है वटाना, हरा हरा वटाना है और आलू है। आज मटर और आलू की सब्जी बनाने वाले हैं। तो अभी हम मम्मी की मदद करते हैं इसको छीलने में, तो ताकि मम्मी को आसानी हो जाए नाश्ता बनाने में। तो चलो छीलते हैं, फिर मटर छीलते हैं। मटर छीलने का सबसे आसान तरीका बड़े वाले सलाम। गोली भी खेल लिया मैंने, जीत भी गया। अभी भूख लगी है, नाश्ते के लिए आलू मैंने भूजने के डाला है, आलू और मटर उसको निकालते हैं। ये देखो इसमें से, ये भैया दे दे दे, रुक जा रुक जा। हाँ आलू डाला है इसमें, ये आलू भून लिया है अभी हमने। और ये रुक रहे, अभी अभी हम मटर जोन है, मटर भी डाला है भूनने के लिए। तो सारी मटर नहीं दिख रही, खाली दो ही दिख रही है। बच्चे लोग खा गए क्या तुम लोग? हाँ सही में। अरे ये राख के ढेर के नीचे आग है, उसके अंदर आलू है। आलू अभी थोड़ी कच्ची थी, अभी ठीक से भुनी नहीं थी, उसको अभी भूनने के लिए डाल दिया हूँ। और बाकी का जो है ये देखो, मटर और दो आलू बराबर भुन गया है। और ये है मटर भुनी हुई। दोस्तों बहुत मज़ा आता है खाने में, देखो बहुत मीठा आ रहा है। ये मटर देसी मटर है इसलिए वो मीठा आ रहा है, भुनने के बाद और ज़्यादा मीठा आने लगता है। अब भुने हुए आलू दिखाते हैं आपको, देखो और इसको खाओ ऐसा। आप लोग उबाल के बनाते हैं ना, मेरी मम्मी ने इसके भुनी हुई सब्जी बनाई है। देखो दिख रहा है क्या, भुनी हुई मटर का सब्जी कभी बनाया आपने? आलू और मटर का देखो, भुनी आलू भुनी मटर, इसका अलग ही स्वाद है, बहुत ही अलग मजा आ रहा। वाकई बहुत टेस्टी है, बहुत उम्दा स्वाद है इसका। माशाल्लाह बहुत अच्छा है, अम्मा शुक्रिया। एक लोटा मैं हाफिज जी के घर यही रहा। बहुत अच्छा है यहाँ के स्पेशल सब्जी आलू मटर भात। भुना हुआ आलू, भुनी हुई मटर और भात की सब्जी खा के बहुत आनंद आ गया, बहुत मज़ा आया। अभी मैं एक चीज़ आपको दिखाता हूँ गांव का, ये चीज़ देखिए, ये भी बहुत मज़ा आता है यहाँ पे, आपको एंजॉय करने को मिलेगा। ये इसको बोलते हैं हैंडपम्प, ये देखो दिख रहा है यहाँ पे पानी, इसको ठंडी में गर्म पानी आता है और गर्मी में ठंडा पानी आता है। ये देखो अभी मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ से गिरना नहीं, गिर जाएगा तो 30,000 का नुकसान हो जाएगा, गिर जाएगा तो। अरे ये दिखाना जरूरी है ना हमारे व्यूवर को, नहीं तो गांव हमारा कैसा पता कैसे चलेगा। अभी खाई हुई प्लेटी हम धो रहे हैं, इसको खाई हुई प्लेटी हैंडपंप से नॉर्मल पानी एकदम है, ठंडा गर्म नहीं है। पहले हम बचपन में ऐसा पानी पिया करते थे इसको, ऐसा। मम्मी ने एक दिन में इतना काम कर ली,
इसके घुटने में दर्द होने लग गया है, अभी दवाई खा रही है। देखो ये खटिया पे बैठी मेरी मम्मी, ये गांव की चारपाई बोलते हैं इसको, खटिया। इस पे बहुत आराम मिलता है बैठने को, पूरा रस्सी का रहता है, बाम्बू और रस्सी का। तो दोस्तों कैसा लगा हमारा गांव का स्पेशल खाना, दाल भात? दाल नहीं था इसमें, ये गांव का स्पेशल खाना है आलू मटर भात। तो इसकी सब्जी खा के बहुत आनंद आया, बहुत अच्छा लगा। तो ये वीडियो मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ। अभी अगला ब्लॉग जो आएगा वो खेती में लेके चलूँगा आपको। यहाँ पे एक स्पेशल बथुआ का साग की खेती है, वो उसका वीडियो बनाऊँगा और उसका सब्जी कैसा बनाते हैं वो दिखाऊँगा आपको मैं गाँव में। तो चलो वीडियो एंड करते हैं, टेक केयर, ध्यान रखो अपना। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, और वीडियो को शेयर करो और लाइक करो।